भैया क्या क्या है? मैडम समोसे, वड़ा, दो पकौड़ा, पालक भजिया, आलू भजिया, पालक भजिया, वड़ा, आलू भजिया, हाँ, और फिर से बोलो भैया, बोलो बोलो। समोसे हैं, वड़े हैं, दो पकौड़े हैं, पालक भजिया है, आलू भजिया। ओके, ये क्या बना रहे हैं? वड़ा। मैं दिखाती हूँ, गरम गरम कढ़ाई आपकी। कितने टाइम से बना रहे हैं? मुझे मालूम है बहुत पुराने आप इधर। कितने सालों से लगाते इधर? 26 साल ना, मुझे मालूम है। हम भी पहले इधर ही रहते थे, तो बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने कहा चलो आपका लेती हूँ। ये वड़ा पाव दे दो, छह वड़ा पाव दो, और भजिया, समोसा, जो जो है ना सब थोड़ा थोड़ा डालो, बेटे के लिए लेके जाऊंगी आज। वड़ा पाव, हाँ, पालक भजिया, दो समोसे, थोड़ा थोड़ा सब डाल दो। और वड़ा पाव पार्सल भी करना, चटनी अलग से बनाना, तो समोसा करते हैं, पेटीज करते हैं, आज वड़ा पाव। ये बॉम्बे की हमारी शान है, वड़ा पाव है ना। ये ना हो तो लोग आधी दुनिया, आधे बॉम्बे के लोग भूखे रह जाए ना। ये क्या बना रहे भैया? बेसन बोल रहे हो? ये बड़े घोड़े का कैसे बनाते हो? क्या क्या डालते बताओ? नमक और मसाला, थोड़ा तेज बोलो भैया। नमक और मसाला ही रहता है, नमक और मसाला। और ये आलू की पैटीज, ये देखो जी बॉम्बे के बड़े पाव कैसे बनते हैं। और ये आलू काट के रखे हैं पानी में। सुबह कितने बजे लगाते हो भैया? कितने बजे? 10 बजे। सुबह 10, और शाम को कितने बजे तक? 9 बजे तक। देखो इनके इधर बहुत चलता है ये वड़ा पाव, बहुत लोग खाते हैं। देखिए बच्चे, लेडीज, सब हमारे बॉम्बे की ये सब चीज़ें बहुत ही फेमस है। बहुत तरह की चटनी होती है इनके पास में, मैं आपको चटनियाँ भी दिखाती हूँ। ये देखो बेसन ऐसे खोलते हैं, मैं आपको वीडियो घर पे भी बना के दिखा चुकी हूँ, लेकिन देखो बाजार में ये लोग कैसे बनाते हैं। घर से भी अच्छा बनता है इन लोगों का टेस्ट कभी कभी। आप लहसुन भी डालते हैं इसमें? मसाले में डालते हैं, मसाले में ना, आलू के साथ ना। लहसुन जगह आज मैंने आपको दिखा दिया। ये देखो हमारे बॉम्बे के वड़ा पाव, आपको दिखाती हूँ मैं इनकी चटनियाँ भी। ये देखो ऐसे ठेलों पे, ऑटो में बैठ के भी लोग खाते हैं। ये इनकी ग्रीन चिल्ली, जो कि नमक लगा के रखते हैं फ्राई करके, इसके साथ देते हैं खाने के लिए। ये सूखी चटनी रेड वाली है ना भैया? ग्रीन और रेड, वो रेड चटनी जो, वो क्या होती है? मीठा चटनी। ये देखो पाव, खूब सारे ढेर सारे पाव तो पार्सल कर रहे हैं। ग्रीन चिल्ली के साथ में सूखा ड्राई पाउडर चटनी होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कैसे बनाते हैं। आज आपको बता दिया कि हमारे बॉम्बे के ठेले वाले कैसे बनाते हैं। देखिए फटाफट इनका काम चालू है पेट में, ये समोसे, बड़े, सब आलू भजिया पेटीज, उसके अंदर ब्रेड पेटीज, समोसे, वड़ा, सब ऑयली है लेकिन बहुत मजेदार होता है, लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा। ये हमारे 26 साल पुराने हैं भैया लोग, जब मेरे बच्चे खाते खाते बड़े हो गए यहाँ से। भैया आपका नाम क्या है? ओके, आप अभी नए हो ना इधर? पहले से? हम तो इधर 30 साल से, 26 साल से देख रहे हैं इनको। देखो बॉम्बे की ठेले की लाइफ आपको दिखा दी, बहुत बिजी रहते हैं, बहुत काम करते हैं। चटनी देखो कितनी प्यारी, पांच वड़ा पाव, दोनों चटनी लगती है वड़े के साथ, एक समोसा। अभी मैं भी थोड़ा सा लेके जा रही हूँ, आज बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। गर्म गर्म खाने से ना उनको कभी कभी मजा आता है, मैं तो नहीं खाती बट बच्चे लोग खाते हैं। ये देखो मेरी गाड़ी खड़ी है सामने, ये मेरा ठेला जहाँ से ले लूँ। कितना है भैया? हाँ, आज वड़ा पाव, वड़ा पाव, वड़ा पाव,
थोड़ा थोड़ा सब देना, दो दो आपके पास पेटीज भी डाल देना, दो मैडम पूरा फर्क की रिपोर्ट दे रही हूं। हां मैं इधर आती हूं। आप तो लैंग्वेज कौन सी बोल रहे? कन्नड़ी तुलु लैंग्वेज पाकिस्तान तुलु है। तुलु हां वही मैंने बोला, आप हिंदी नहीं बोल रहे जी? अभी तो सब आते हैं, मलयाली सब बोलते हैं। ठीक है, गरम देना थोड़ा, लेकिन देखो जी कितनी भीड़ होती है बनाने वाले, बहुत ही मज़ा आता है बच्चों को खाने में। मैंने आज ले लिए घर के लिए थोड़े से बड़े पाव, डाल के खाऊंगा, थोड़ा सा मैं टेस्ट करूँगा, लेकिन बेटे की लेके जाऊँगा। मेरा मन करता है कभी कभी आपको दिखाने को कि यहाँ की लाइफ ये कैसे बनाते हैं। देखिए कितने खड़े होकर कितनी मेहनत करते हैं बनाने के लिए। देखिए कढ़ाई इनकी गर्म रहती है हर समय, तो ये हमारे लिए मेहनत करते हैं, तो हमको भी इनका ध्यान रखना है। कभी कभी इनसे देखे, कभी कभी खा लेना है। मैं तो खुद खाती नहीं हूँ, बट बांट देती हूँ इनसे लेने के बाद, लोगों को बांट देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखिए आपको दिखा दिया वड़ा पाव कैसे बनता है, कैसी भीड़ रहती है। ये थाली भर के मैंने ले लिया और इसके पैसे लगे हैं 178। बड़े पाव अच्छी चीज़ें। थैंक यू भैया जी, आपका मैंने वीडियो बना लिया, मैं डालूंगी अपने पेज पे। देखो हम भी पहले इधर ही रहते थे बहुत सालों से, अभी उधर चले गए, बट मैंने कहा चलो आपसे लेती हूँ इतने सालों के बाद। ओके थैंक यू। नाम बताओ भैया। नाम से अन्ना, हाँ वो तो मालूम है अन्ना के नाम से। हाँ और ये अपना सेक्टर कौन सा, मैं भूल गई कौन सा सेक्टर? 4 है, सेक्टर 4 में। हाँ अन्ना, हाँ ठीक है अन्ना जी, आपका वीडियो आएगा जरूर देखना। देखो गर्मा गर्म कढ़ाई देखो, देखो आपने मुँह में पानी देख के। थैंक यू।